सो गाइस आप देख रहे हैं सो ब्यूटीफुल प्लेस, याकातुर की सबसे ब्यूटीफुल पहाड़ी। और यहाँ पर हमारे कैफ पार्टी और मिस्टर मुजम्मिल हमारे साथ में है। और आप देख सकते हैं नेचर ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल माय विलेज याकातपुर, रॉयल सिटी बिदर का रॉयल विलेज याकातपुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली बिदर। और आप मैं आपको बताऊंगा बारिश के मौसम में किस तरह से हरियाली होती है और हमारे गाँव में किस तरह से अल्लाह की रहमत बरसती है बारिश की शक्ल में। आप देख सकते हैं बादल ही बादल है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस आप देख सकते हैं खूबसूरत नीले फूल, ये खूबसूरत नीले फूल। और यहाँ पर है, इसको हमारे गांव में कहते हैं गुड्डी के फूल। और साथ में मिस्टर कैफ, मिस्टर मुजम्मिल। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं इंडियन मशरूम कितने बड़े साइज का है, बहुत ही बिग साइज का आप देख सकते हैं, एकदम हाथ के साइज का पूरा। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं मशरूम, इसको कहते हैं इंडियन मशरूम। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार का छिल्ला मुबारक है यहाँ पर इस पेड़ के नीचे। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्नेल, ये बारिश के मौसम में निकलते हैं। आपने शायद किताबों में पुस्तकों में पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि स्नेल किस तरह से होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्नेल जो है अपने सामने जो अपने चार आँखें हैं उस आँखें से ही देखकर उसको यानी कि महसूस करके चलते हैं रास्ता। अगर किसी और चीज़ से उसको टच हो जाए तो अपने उस जो खोल है खोल में छुप जाते हैं वो। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेल किस तरह से धीरे धीरे जा रहा है, ये भी नेचर ब्यूटी का एक हिस्सा है, कुदरती माहौल में ये रहते हैं। आप देख सकते हैं नेचर में किस तरह से ये जा रहा है। अब मैं अगर धीरे से कुछ कोई चीज़ से मैं टच करूँगा तो ये पूरी तरह से अपने खोल में छुप जाएगा। आप देख सकते हैं एक हाथ से हम इसको टच करूँगा, आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने खोल में छुप रहा है। जिस तरह से तांबेल अपने पीठ में छुप जाता है इसी तरह से स्नेल भी उसी के पीठ में छुप जाता है। यानी कि इस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किस तरह से ये जो बड़ी सीपी है ये सीपी के अंदर अपने आप को छुपा लेगा। तो देख सकते हैं गाइस आप किस तरह से अपने आप को ये बंद कर लिया है। ये भी एक कुदरती हिस्सा है, ये भी नेचर का हिस्सा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि घास के पत्तों पे जिस तरह से बारिश के बूंदे जमा होती है और किस तरह से खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो आप देख सकते हैं नेचर ब्यूटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बारिश के ख़तरे को, ऐसा है कि जैसे कोई डायमंड चमक रहा है इस तरह से ये इस पत्ते पर अपना बैलेंस बनाकर है। सो गाइस आप देख सकते हैं खेत में किस तरह से पानी आना शुरू हो गया है। तो ये है गन्ने का खेत और देख सकते हैं गाइस पानी अपनी रफ्तार में आ रहा है धीरे धीरे, ये आ गया है पानी, ये पानी की रफ्तार शुरू हो गई। सो आप देख सकते हैं किस तरह से जा रहा है पानी। सर गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर मुजम्मिल दवा को तैयार कर रहे हैं जो खेत में डालते हैं, जो उसका खनिज पदार्थ होते हैं जो गोबरी वगैरह जो बोलते हैं जो खेत की खाद होती है वो यहाँ पर डाले जा रही है। और आप देख सकते हैं मिस्टर मुजम्मिल के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। आप देख सकते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुजम्मिल भाई के बहुत खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सो क्यूट पपीज, आप देख सकते हैं डॉग्स आ गए यहाँ पर और ये मिस्टर मुजम्मिल के सिक्योरिटी गार्ड्स है और यहाँ पर डॉग्स शेल्टर है।
यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो डॉग्स इसमें चले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मिस्टर मुजम्मिल ने बनाया है इसको। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिस्टर मुजम्मिल जो है फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। अभी इसका काम थोड़ा वर्किंग पेंडिंग है। इसके ऊपर बड़ा सा कैरी बैग आता है, कैरी बैग ऐसे कि पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा कैरी बैग, इसको पूरी तरह से बिछाया जाता है। फिर उसके अंदर वाटर डालने के बाद उसमें फ़िश फार्मिंग होती है, कटला फिश, मरल मच्छी, साम मच्छी एक नंबर, सब इसमें तैयार कर सकते हैं। पर यार मिस्टर मुजम्मिल तो कह रहे हैं कि वो ग्रेट वाइट शार्क और मेगलाडॉन शार्क पालेंगे इसके अंदर। पता नहीं वो कैसे पालेंगे इसके अंदर, ये साइज़ में आएगी क्या नहीं, या फिर ये बड़ा बना देंगे एकदम बड़ा स्विमिंग पूल बना के। मेगलाडॉन शार्क और ग्रेट वाइट शार्क मिस्टर मुजम्मिल इसमें पालने वाले हैं। सो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ज़मीन किस तरह से होती है और पेड़ों की जड़ें किस तरह से होती है, उसके ऊपर ज़मीन किस तरह से, ज़मीन के ऊपर जो होते हैं पेड़ घास वगैरह, ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर लगेगी घास। और यहाँ पर मिस्टर मुजम्मिल और मिस्टर कैफ कर रहे हैं एंजॉय, पानी के बॉटल को निशान लगा रहे हैं, लगता है देखते हैं किसका लगता है निशान। देखते हैं किसका निशान लगता है। सो गाइस जब तक निशान लगेगा जब तक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जब तक हम कुछ और देखते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ग्रॉस यहाँ पर है। तो आ रहे हैं यहाँ पर कैफ फाड़ी, मोर नाचला स्टार्ट है वहाँ पे, मोर नाचला डांस कर रहा है मोर वहाँ खेत में, बहुत ज़बरदस्त सीन है बट यहाँ से। सो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ पर मोर डांस कर रहा है, ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही डांस करते हैं मोर। हम जा रहे हैं खेत में उसी उसके पास ही गाइस। सो गाइस मैं आवाज़ नहीं करूँगा, चुपके से रिकॉर्डिंग कर लूँगा। यहाँ पर मोर का डांस आप देख सकते हैं, ओहो इसने डांस रोक दिया है फिलहाल, इसने हमको देख लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये मोर भाग रहा है, शिट यार इतना अमेजिंग। यहाँ पर देख सकते हैं और एक मोर यहाँ पर नाच रहा है, मैं फुल जूम कर रहा हूँ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही दूर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला आप देखिए। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर नाच रहा है, ओह शिट उसने अपने पंख अंदर रख लिया, किस्मत ही ख़राब है। तीन जने नाच रहे थे, तीन के तीन जने अपने पर अंदर कर लिया, उन्हें भी डर के भाग गया। दूसरे चिड़िया आवाज़ करिए हम भाग लेता रहता है, आप सुन सकते हैं उनकी आवाज़ें मोरों के, एक साथ तीन मोहरा नाच रहे थे। हम आ रहे तो चिड़िया उड़े झाड़ा में से, वो चिड़िया उड़ती कि उन्हें उधर भाग गया वहाँ वाला मोर, और वो झाड़ा में चले गया और वो वाला वो झाड़ों पर चले गया। एक साथ तीन मोरों का डांस देख सकते थे गाइस, मगर इस बार किस्मत ख़राब है। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं धान का आगा, इसी से चावल उगाए जाते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, चिपचिप पानी शुरू हो गया है, और वहाँ से बहुत ही बड़ी वाली अबर यानी कि गंभीर बारिश वाली अबर आ रही है, और मोर वो भी भाग चुके हैं। हम उनका शॉट लेने वाले थे, उनका हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे, मगर चिड़ियों ने आवाज़ किया मोर भाग गए वो। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर डांस कर रहा है, ओ शिट मैन शिट शिट शिट, यहाँ पर एक और मोर डांस कर रहा था ये भी चला गया। सो गाइस अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर मोर यहाँ पर है पेड़ के पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये घूमता फिरता है। आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर, आप देख सकते हैं झाड़ के ऊपर यहाँ पर किस तरह से ये फ्लाइंग करके जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस मिस्टर मुजम्मिल यहाँ पर अपना स्टंट दिखाएंगे। हाँ भाग्य एंडम पे।
सो गाइस आप देख सकते हैं मोर यहाँ से भी चला गया। सो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से भाग रहा है मोर, लगता है सेल्फी मूड में नहीं है यहाँ पर मोर, अपना व्लॉग में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आज, आज उनका मूड अलग है, वैसे तो खाली टाइम पर आते हैं सेल्फी के लिए।